गुड मॉर्निंग दरिया, क्या खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो गई है। फिलहाल नहा धो लिया, चलते हैं मंदिर। दर्शन के बाद गलियों सीधे चलते हैं दुकान। आज काफी दिन के बाद सब्जी की गाड़ी आई है। बल भयंकर बहरा गिर जा रहे, रात में बंदरों ने सब खा दिया है। बल राम आएंगे तो उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में, टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़े के रे रोला रफा। फिलहाल आज 11 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज भी मैं आपको ले चलूंगा एक चक्कर मैच की तरफ को। आज हमारे वहाँ दो मैच खेलने जाने वाले हैं, दो मैच है मतलब दगड़े, जो भी है जैसा भी है वहाँ जाके पता चलेगा। फिलहाल एक शाम को ओका वाली भी रील शूट करनी है। अच्छा भयंकर रोजर लेट है नहीं यार, अभी 11 बज गए और खाना पीना तो खैर खा के ही आया हूँ मैं अभी ऊपर को, पापा के लिए खाना देने आया था। अब जाने की तैयारी है मेरी भी घर की। मैंने सोचा वहां जाने से पहले क्यों ना यार ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। तो सभी बोलेंगे दगड़े मेरे साथ, ओहो दगड़े सब लोगों का पहला बड़ा नमस्कार स्वागत ब्लॉग में। तुम सब ठीक एकदम की शुरुआत तो है ही हो ही चुकी है। खैर जो जो वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं प्लीज यार एक लाइक कर दें, क्रिकेट लवर खास तौर से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी और काफी लंबा क्रिकेट सीजन होने वाला है हमारे वहां दगड़े, और छक्के चौकों की बरसात हो रही है आजकल क्रिकेट के सीजन में। फिलहाल अभी तो लीग ही चल रहे हैं, जब मुकाबले आगे को बढ़ेंगे ना नॉकआउट चलेंगे उनमें ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल चलते हैं अब सीधे मिलते हैं गैर पहुंच के, ठीक है। तब तक आप कर दो यार करनगन भयंकर करन लेना मुरी आचवन, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गैर पहुंच के। टॉस की तैयारियां होती हुई नमस्कार सभी का, रंगीला क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का आज 11वां मैच कुंजनपुर और कांडा के बीच खेला जा रहा है। कुंजनपुर कांडा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहला ओवर लेकर आए हैं अशोक उर्फ रावण। कांडा के लिए दोनों ओपनर बल्लेबाज अंकित और नंदू, स्ट्राइक पे हैं अंकित, नॉन स्ट्राइक पे नंदू। अगली गेंद अशोक की, इस बार गेंद हवा में जरूर थी कुछ देर। अब नंदू आते हुए स्ट्राइक पे, पहली बार सामना करेंगे अशोक का। सुमित आते हुए अब चौथा ओवर लेकर उनके सामने होंगे नंदू। 21 रन बना चुकी है कांडा की टीम। पहली गेंद सुमित की, खेल दिया इस बार नंदू ने और ये आसान सा कैच, पहला झटका लगता हुआ कांडा को नंदू के रूप में। सुमित ने दिलाई पहली सफलता। नए बल्लेबाज उतरते हुए अब सतीश, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं होंगे एक बार फिर से सतीश। इस बार काफी तेज आती हुई पड़ने के बाद सुमित, इस बार हल्के हाथों से खेला सम्मान शॉर्ट डिलीवरी, इस बार फिर से खेल दिया है बल्ले पे, उतनी अच्छी तरीके से आई नहीं जिस वजह से मिस फील्ड। चौका, आसान सा चौका, इसकी तूफानी पारी देखी थी। कदम का इस्तेमाल एक बार फिर से, ओ इस बार फिर से ओवर समाप्त होता हुआ, अच्छा ओवर विनीत का। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन। छठा ओवर लेकर आते हुए कुंजनपुर के लिए अज्जू, उनके सामने होंगे अंकित। एक बार फिर से खेल दिया इस बार, फील्डर वहां पे मौजूद जरूर, देखना होगा पहला रन सामने उनके। सतीश कदम का इस्तेमाल, इस बार लगातार बीट करते हुए ओवर, छठा ओवर फेंका जा रहा है, दो ही बाउंड्रियां। एक बार फिर से अज्जू बोल्ड, कुछ भी नहीं कर पाए सतीश आज, कुछ फीके फीके लग रहे थे और विकेट मिलता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे कांडा को 31 के स्कोर पे। नए बल्लेबाज आते हुए बन्नू, 12 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हुए सतीश। पहली गेंद खेल दिया इस बार, हवा में जरूर है गया, देखना होगा दूरी कितनी प्राप्त करती हुई, अंपायर का इशारा देखना होगा। 6 रन अंकित के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, खेल दिया है फाइनल की दिशा में फील्डर मौजूद, एक और रन खेल दिया इस बार। अन्नू के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, काफी लंबी हिट, गया जाती हुई स्टार्ट हावे के करीब,
सात ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन दो विकेट के नुकसान पे कांडा विकेट खेल दिया। एक बार फिर से गेंद हवा में जरूर है, देखना होगा फील्डर कौन नीचे आ पाते हैं। और ये कैच मिस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन जीवन दान भी मिला और चार चौका भी। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन दो विकेट के नुकसान पे कांडा। अनिकेत आते हुए अगला ओवर लेकर राज ढाबा बन करके मैच खेलने पहुंचे हैं। पहली गेंद काफी लंबे हिट, छह रनों के लिए अन्नू के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का। खेल दिया एक बार फिर से, एक और छक्का अन्नू के बल्ले से, स्टार ढाबा के पास आती हुई गेंद। अनिकेत फिर से, इस बार पहली सफलता अनिकेत के लिए, अन्नू भी आउट होकर वापस आते हुए। तीसरा झटका लगता हुआ कांडे को, ओवर की समाप्ति भी होती हुई। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रन 3 विकेट के नुकसान पे कांडा। नए बल्लेबाज आते हुए अब रबाडा, उनके सामने होंगे अंकित। खेल दिया इस बार, पुल कर दिया है, क्या चाहती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए स्वागत करते हुए अशोक का इस छक्के के साथ। इसी के साथ 47 पे पहुंचे अंकित। एक बार फिर से रबाडा, एक बार फिर से तैयार। खेल दिया इस बार, गया जाती हुई थर्ड मैन की तरह, फील्डर वहां पे मौजूद। पहला रन थे जिसे आप पूरा करते हुए दूसरे के लिए भी आना चाहते। ओवर की अंतिम गेंद लेकर रावण उनके सामने होंगे। अंकित इस बार कट कर दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद, रन लेने का प्रयास जरूर था। ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 3 विकेट के नुकसान पे कांडा। सुमित अपना अंतिम और पारी का 11वां ओवर लेकर आते हुए उनके सामने है रबाडा। पहली गेंद ओवर की, खेल दिया इस बार रबाडा के बल्ले से निकलने वाली काफी लंबे हिट, 6 रन के लिए जाती हुई गेंद की अंतिम गेंद। खेल दिया एक बार फिर से, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं, अच्छी फील्डिंग, दौड़ के पहुंचे। ओवर समाप्त होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन अंतिम ओवर लेकर आते हुए अब सागर। पहली गेंद फुल टॉस डिलीवरी उठा के खेल दिया है, काफी लंबी रबाडा के बल्ले से एक और छक्का आता हुआ। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल, इस बार पॉइंट के ऊपर से काफी लंबी हिट, एक और छक्का, लगातार दो गेंद में दो बाउंड्री रबाडा के बल्ले से। सॉरी की नाम जिला सर, इस पारी की दो गेंद और शेष अंकित 48 रन बनाकर खेल रहे हैं, अपने 85 से 2 रन दूर है। ओवर की अंतिम गेंद, खेल दिया इस बार, पहला रन तेजी से पूरा करते हुए ओवर समाप्त होता हुआ 49 रन नाबाद बनाए अंकित ने। 105 रनों का लक्ष्य होगा अब कुंजनपुर के सामने। अब मिलते हैं कुछ समय के बाद दूसरी पारी का आंखों देखा हाल लेकर। 104 रन बनाए दगड़ियों खोंडा की टीम ने, अब 105 रनों का लक्ष्य कुंजनपुर के सामने। उससे पहले हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा नाश्ता करने स्टार ढाबे के पास। क्या हो गया केजरीवाल जी? इसमें डाल स्टार ढाबे की फेमस चाउमीन, उसकर जी पकड़ो चाक दें कचरी, स्वाद बताओ ना मेरे को कैसी है। बढ़िया क्यों बढ़िया, ले कोई स्वाद है, नमकीन खट्टी मीठी दोनों प्रकार की होती है। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होती हुई, पहली गेंद पे छक्का मार चुके हैं अन्ना, पहली गेंद पे छक्का मार चुके हैं। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होती हुई कांडा के लिए पहला ओवर लेकर आए हैं सलमान, अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। उनके सामने है सुमित, इस बार हवा में जरूर उड़ा गया, फील्डर देखना होगा। और ये पहली सफलता, सुमित शून्य रन बनाकर आउट होते हुए पहली गेंद पे। नए बल्लेबाज आते हुए अभिनीत, ओवर की अंतिम गेंद सलमान की, हल्के हाथों से खेला। कांडा के लिए दूसरा ओवर लेकर आते हुए जान है बाबा, उनके सामने है विनीत। खेल दिया विनीत, दो छक्के मार चुके हैं सलमान आते हुए अब अगला ओवर लेकर उनके सामने है, सॉरी यार विनीत ना यार बोल नहीं हो, सलमान सामने है विनीत। शॉर्ट पिच गेंद उठा के खेल दिया इस बार, गेंद आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्का विनीत के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का।
28 रन बना चुकी है कुंजनपुर की टीम। इस बार हल्के हाथों से खेला विनीत। फिर से खेल दिया विनीत ने एक और छक्का। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन एक विकेट के नुकसान पे कुंजनपुर। नंदू आते हुए अब चौथा ओवर लेकर पहली गेंद गेंद हवा पे जाती हुई थर्ड मैन की तरफ। अन्ना आते हुए अब स्ट्राइक पे सामने उनके नंदू शॉट गेंद एक बार फिर से नंदू नीचे रहती हुई गेंद सुर्रा बॉल। चार ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन एक विकेट के नुकसान पे कुंजनपुर। जाना बाबा अपना दूसरा ओवर लेकर अच्छी बॉलिंग खेल दिया एक बार फिर से विनीत ने फील्डर में। बन्ना वो अच्छी गेंद पांच ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन। रबाडा खेल दिया इस बार तरुण ने खाता खोलते हुए अपना। खेलने का प्रयास रवाडा की अगली गेंद खेल दिया इस बार थर्ड मैन के ऊपर 6 रनों के लिए एज लगते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए एक और छक्का अन्ना के बल्ले से। रबाडा एक बार फिर से सामने अन्ना इस बार इनके हाथों से खेला है एक खेलने का प्रयास जरूर किया था गैस कब यहां से देखना दिलचस्प होगा ऊपर पाएगी इन झटकों से कुंजनपुर की टीम। रबाडा की अगली गेंद हल्का हाथों से खेला कट किया वहां पे पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद एक रन और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 54 रन। बाउंड रनों की और दरकार तो सामना करेंगे रबाडा का और इस बार अब सामने आए हैं अन्ना बोल एक और झटका। पचपन रन बना चुकी है एक बार फिर से इस बार खेल दिया है कॉमरी बॉक्स की तरफ आती हुई गया देख रन आसानी से पूरा करेंगे। जान है बाबा आते हुए अब अगला ओवर लेकर जागो उनके सामने है रेंचो पहली गेंद इस बार फॉलो करते हुए रन ले दिया है रेंचो के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। एक छक्का खा चुके हैं पिछली गेंद पे इस बार फिर से खेलने का प्रयास था पैर पे टकराए रन लेने के लिए आना चाहते थे तो मना किया नाला अगली गेंद जॉन बाबा की फिर से खेल दिया इस बार गेंद आती हुई गैप पे देखते हैं अच्छी फील्डिंग कुंजनपुर को जीत के लिए खेल दिया एक बार फिर से अशोक के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का पहुंचा 70 रन 36 रनों की और जरूरत यहां से। फिर से खेल दिया इस बार गैप के निचले हिस्से पे लगी फिर भी बाउंड्री तक चली गई गोल मिसफील्ड रन के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और उतना ही लूज थ्रो दो रन और जुड़ते हुए इन्हीं दो के साथ स्कोर था बहुत 72 रन। अब छोर बदलते हुए यहाँ पे अंकित फिर से खेल दिया है उनके बाजू में काफी ताकत है एक और छक्का अशोक छक्के मारते हुए यहाँ पे लंकेश इसी छक्के के साथ स्कोर था बहुत 84 रन। बीट मारी अशोक ने बॉल जा चुकी है नीचे बॉल खोजी दस्ता अड़की चिमौड़ा टुकड़ू और बांच की निगाह रखने वाले कपाला भाई और काई मिसिर कहीं कहीं भी है बॉल ढूंढने आए जिसे मैच जल्दी शुरू हुआ दूसरा मैच भी खेला जाना है। मैच का रुख पूरी तरीके से पलट दिया है अशोक ने दो छक्के और एक चौके मारकर आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में वो भी लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के
अंतिम गेंद फिर से खेलने का प्रयास, ओवर समाप्त होता हुआ अब 12 में 22। अंतिम दो ओवरों का खेल, कुंजनपुर को जीत के लिए 12 गेंदों में 22 रनों की दरकार। सलमान आए अपना अंतिम ओवर लेकर, स्ट्राइक के बाद अखाड़ा के लिए अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। उनके सामने है रेंचो, एक छक्का मार चुके हैं, फिर से खेल दिया बार, बिल्कुल हाथे बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद सलमान की, खेलने का प्रयास, एक और आउट। क्या लगता है आपको? और रियांशु के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का आते ही धाबे के बाहर डालते हुए गेंद, एक और छक्का। दोनों टीम के कप्तान नेताजी मुर्गी वाले भी पधारते हुए, नाली टीम के टीम कप्तान नेताजी मुर्गी वाले, 12 रनों की और दरकार। यहाँ से बल्ले पे टकराई और गोल्ड, एक और सफलता। लगता है यहाँ से कौन सी टीम जीतेगी, आपको किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? तो पुष्कर भाई का कहना है कुंजनपुर के चांसेस अभी भी हैं। 12 रन चाहिए 7 गेंदों में। सागर आए अब स्ट्राइक पे, ओवर की अंतिम गेंद लेकर सलमान, अच्छी गेंद, ओवर समाप्त होता हुआ 6 गेंदों में 12 की दरकार। अब 6 गेंद में 12 रन चलते हुए नंदू, सामने है अशोक, पहली गेंद फुलटास ले रहे हैं, धागे खेल दिया है, फिल्टर वापस मौजूद, पहला रन तेजी से पूरा करेंगे, दूसरे के लिए भी आना चाहते हैं अशोक। आगे पहुंचता हुआ मुकाबला एक बार फिर से अंपायर को पार करते हुए, इस बार नंदू खेल दिया है, और ये चल रही है, पहला रन तेजी से पूरा करते हुए दूसरे के लिए भी आना चाहते हैं अशोक। और यहाँ पे रन आता खतरा बन सकता था अगर सटीक रो होता तो 2 रन और 3 पर 7 मैच। नंदू एक बार फिर से तैयार, सामने अशोक, 3 रन है 7 रन, शॉट डिलीवरी इस बार खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद, पहला रन तेजी से पूरा करते हुए दूसरे के लिए भी आना चाहते हैं अशोक, पर इस बार मिल नहीं पाएगा, काफी तेज फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। अब 3, अब 2 गेंद 6 रन, नंदू एक बार फिर से, सामने है सागर, शॉट डिलीवरी होता हुआ, क्या छोड़ते हुए यहाँ पे जीवनदान मिलता हुआ, एक गेंद 5 रन, चौका आता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा दोनों ही टीमों के बीच, छक्का आता है तो जीत, और उससे कम आता है तो कोटीगांव की, ये सॉरी कौडा की जीत। अंतिम गेंद 1 बॉल 5 रन, सारे फील्डर बाद बाउंड्री जा चुके हैं, सिंगल से कुछ होने वाला है नहीं, या चौका चाहिए या छक्का चाहिए, देखना काफी रोमांचक स्थिति पहुंच चुका है मैच, 1 गेंद 5 रन। नंदू एक बार फिर से, सामने होंगे अशोक, इस बार लंबे लंबे कदम से अंपायर को पार करते हुए, और अशोक ने अपनी टीम को जीत लाई, बेहतरीन अंतिम बैच तक गया मुकाबला, बेहतरीन पारी अशोक के बल्ले से, और अपनी टीम को जिता कर वापस लौटे हैं, 1 गेंद पे 5 रन की जरूरत थी, छक्का मार के अपनी टीम को जीत दिलाई अशोक ने, बेहतरीन बल्लेबाजी अशोक के द्वारा। इसी के साथ मैच समाप्त होता हुआ, दोनों मिल गया आप खाने नहीं, दौड़े पहला मैच खत्म होने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर थुमी केदार में, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी हमारे खास मेहमान पुष्कर भाई, हेलो तो बोल दो। हेलो, कैसे हैं आप पुष्कर जी? बढ़िया, आज बड़े दिन के बाद झगड़िया पुष्कर जी हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं, तो कैसे चला रहे हो आज आप? अच्छा, पहाड़ों में कितनी हो रही है ठंड? बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। अभी पहाड़ों में घूमने आना चाहिए लोगों ने? नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए यार दगड़ियों, आप लोग अभी पहाड़ों में घूमने को आ सकते हो, देखने आ माओ को सारे गाँव में, शिवोर रम दिल्ली अल्दौनी, अल्दौनी में बल बैंकर रुद्रपुर वगैरह में दबा बेर गाँव चलिए दगड़ियों, आप लोग आइए हमारे पहाड़ में अभी सर्दियों के टाइम में, और सुंदर सी मतलब गाँव की तातनी में बैठ सकते हैं, और क्या कहें, फिर चलते हैं हम नीचे को इस वीडियो को भी, अब यहाँ से मैं एक बार ग्राउंड के नज़ारे दिखाता हूँ तुम लोगों को ना, ये दगड़ियों गैडा का ग्राउंड, अब दूसरा मैच खेला जा रहा है अभी, कहाँ कहाँ के बीच है यार, नाली और चौड़ा के बीच।
तो फिलहाल दूसरे मैच की तो कैवरेज अब हो नहीं पाएगी, मैं भी चलता हूँ घर को, एक गाड़ी ले आ रहे भले यार सामान वामान उतरन सुबह, और फिर जो भी होगा दूसरे मैच का आपको देखा हाल मैं आपको शाम को रिजल्ट बता दूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं घर को और इस वीडियो को भी दगड़ियों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय दगड़ियों।